अस्सलाम वालेकुम जालिस, कैसे हैं आप? तो मुझे सब खैरियत से होंगे यार। तो आज हम एक इस्लामिक वीडियो पे जो है वो रिएक्शन देने वाले हैं यार। आज की जो वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद की यार, जिसमें वो बयान करते हैं कि यार किन लड़कियों को लड़के ज्यादा पसंद होते हैं यार, कौन से वाले यानी के। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि यार चैनल को लाइक आप हमारे ज्वाइन कर लेते हैं, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए लाइक और सब्सक्राइब के साथ। तो इसी तरह यूनिवर्सिटियों में किसी लड़की से कोई अव्वल तो बातचीत ना करें, लड़कियों से फ्री ना हो। कभी जरूरत पड़ जाती है तो फिर उसमें बदतमीजी वाला लबो लहजा नहीं होना चाहिए, उसमें फ्री भी ना हो, रिजर्व रहें थोड़ा सा। रिजर्व तो समझते ही है ना, थोड़ा सा रिजर्व रहें। हाँ हाँ हुई एकदम ना छिछोरेपन पे ना आ जाएं, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर ना मांगना शुरू रिजर्व। अच्छा वैसे आपकी जनरल नॉलेज के बताऊं, लड़के जो रिजर्व रहते हैं ना, लड़कियां मरती भी उन्हीं पर हैं। अंदर एक लड़के ने मुझे बताया, मैं यूनिवर्सिटी में लड़कियों से बड़ा रिजर्व रहता हूं, और कह रहे सिर्फ टोपी ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। तो बता रहा था मुझे, मेरे सामने हर आदमी उसको पता है मैं टक्कर नहीं मारूंगा ना, उसको सुन लेता हूँ मैं बात। तो कहने लगा कि मुझे खुद बताया, कह रहा है मुझे इतना थरकी हूँ अपने बारे में बता रहा था। तो मशवरा लेने आया था ना, बुरा में लग गया हूँ और मैं शादी नहीं हो रही वगैरह वगैरह, लोग आते हैं तो मैं इतना ठरकी हूँ। तो कह रहा है मैं यूनिवर्सिटी में लड़कियों से बड़ा रिजर्व रहता हूँ, बड़ा नेक शरीफ बन के ना अपने काम से कोई बात करेगी, हाँ जी क्या आपको सर ने ये बताया, मतलब ठीक है अपना ख्याल रखिए, बस इतना। कह रहे अंदर से मेरे दिल में इतने लड्डू फूट रहे होते हैं, खुद से फ्री हो। और कह रहे लड़कियां मुझे शरीफ समझना शुरू करती है और ज्यादा फ्री हो रही हैं। अच्छा जी, कह रहे हालांकि अपने दिल की हालत तो इसलिए मैं ख्वातीन को भी कहता हूँ जो बहुत ही गुन्ना बना हुआ है ना, बाज दफा वो महज अपना इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए गुन्ना बना हुआ होता है, अंदर से उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं लड्डू, लेकिन बात सही भी होती है। खैर वो वाकई रिजर्व होते हैं। तो मैं ये जो बार बार कह रहा हूँ ना, महरम से मुस्कुरा के बात ना करें, तो ऐसा लबो लहजा नहीं हो कि बदतमीजी झलक रही हो उससे, इसका ख्याल करें, क्योंकि दीनदारों का इमेज इससे बहुत ज्यादा खराब होता है। आपने बदतमीजी नहीं करनी है, फिर ही नहीं होना बस आप। तो अब मैं असल बात करके बस बयान खत्म करता हूँ। तो हमारी मुस्कुराहट चूंकि किसके लिए, अल्लाह से। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब अल्लाह के लिए मुस्कुराना है तो सबसे ज्यादा किसके साथ मुस्कुरा के बात करने का सवाब मिलता है? माँ बाप से, माशाल्लाह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक का मुस्तहिक कौन है? तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा उसके बाद फरमाया फिर माँ, पूछा उसके बाद फरमाया फिर माँ, समझ रहे हो? तो लिहाजा आप चाहते हो कि थोड़ी देर की मुस्कुराहट हो और आपके मीजान का तराजू उस एक नेकी का वजन इतना हो कि वो झुक जाए, तो सबसे ज्यादा मुस्कुराहटें किसके सामने बिखेरनी है? माँ के सामने, समझते हो? दूसरे नंबर पे मुस्कुराने का सबसे ज्यादा सवाब किसके सामने मिलता है? ऐसा ना खाम खा में बत्तीसियां दिखा रहे, कोई बात हो यानी एक्टिंग नहीं करनी है जाके, अब्बा को लगे कि ये पता नहीं क्या ड्रामे शुरू कर दिए इसने। मतलब ये कि मीठे लहजे में ऐसा एटीट्यूड हो, ऐसा लबो लहजा, जरा भी सख्ती ना हो बातचीत के अंदाज में। तो अगर आपकी मुस्कुराहट अल्लाह के लिए है तो दूसरे नंबर पे आप सबसे ज्यादा किसके सामने मुस्कुरा के बात करेंगे? अब्बा के सामने। अब्बा, अच्छी बात है यार। तो यार वीडियो होते हैं यहाँ पर, तो यार मुझे काफी ज्यादा ये वीडियो अच्छी लगी। उन्होंने पॉइंट बताया ना, मेन पॉइंट के लड़की किस पे ज्यादा मरती है यार, वो पॉइंट सबसे अच्छा था यार, अब आगे ट्राई करना पड़ेगा यार। तो कमेंट पे आप मुझे बता यार ये वीडियो आपको कैसी लगी यार, और आप मुझे ये भी बताओ कि आप क्या मैं इसी तरह की मजीद इनकी ये वीडियोस पे रिएक्शन करूं या ना करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो को भी रिएक्शन करूं तो कमेंट में आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।